और ठीक ऐसे ही मेरा एक और सामाजिक और न्यायिक से न्यायिक न्यायालय से मांग है कि जो है न्यायिक अधिकार सूचना, ये है सारा विषय और उस पर मैंने केस डलवाया है और उसका प्रोसीजर चल रहा है और सारा आगे भी चलता रहेगा। यूट्यूब पर, ये मेरा विषय, यूट्यूब पर केवल प्रमाणिक और उस पर डाले गए विषय के अधिकृत व्यक्ति ही अपने अनुभव सिद्ध वीडियो डालें। अधिकतर आप देखेंगे कि वीडियो जितना धुआंधाड़ पड़े रहे, चार पांच दंड मारी, एक आदमी दंड का विशेषज्ञ नहीं है और वैदक का विशेषज्ञ नहीं है, ज्योतिष का विशेषज्ञ नहीं है, ऐसा सब कुछ विशेषज्ञ नहीं होता, योग का विशेषज्ञ नहीं है, और फिर भी योग वेद कामशास्त्र दवाइयाँ बना, इसका अपने को वैद सिद्ध करके उस पर नरा डालने, उससे इतना भ्रम पैदा हो रहा है। लोग बाग आते हैं यहाँ आश्रम में, गुरुदेव ये जो है भाई हमें इसका भी वो निस्तारण कराओ कि ये क्या चल रहा है, ये अपने जो पैसा कमाने के लिए हो तो सारा चीज़ चल रही है, उससे हमारा विषय नहीं है, वो व्यावसायिक तौर पे, लेकिन ना कि जो उस विषय का न तो जानने वाला है, वो न सन्यासी है, न योगी है, न वेद है, न तंत्राचार्य है, प्रमाणिक संस्थान से किसी योग अध्यापक की डिग्री किए हुए या अध्यापक है, मतलब अध्यापन का क्षेत्र है, जैसे कोई भी विषय हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कोई भी चीज़ है, तो उसका अध्यापक होना चाहिए, उसमें डॉक्टरेट किए हो, पीएचडी किए हो, उस विषय का वो जानकार होना चाहिए। अपनी बात रखने का मेरा यह विषय नहीं है कि अपनी बात रखो, लेकिन अपनी बात प्रमाणिकता के साथ होनी चाहिए और उसका वो व्यक्ति अधिकृत फिजिकल इंस्ट्रक्टर बीपी ऐड किए हुए इस प्रमाणिक कोर्स का हो, सन्यासी हैं, उन्होंने सन्यास ले रखा है, मैं हूँ तो हमारा विधिवत सन्यास है, या हमारा यौगिक अपना जीवन है, हमारा वो जीवन में प्रमाणित है, अखबारों में प्रमाणित है वो चीज़, और जो भी विषय है, अब क्या धुआंधाड़ इस तरीके से डालते रहते हैं, इतना कन्फ्यूज़न फैला पड़ा है समाज में, तो वो प्रमाणिक लोग जब डालते हैं संक्षिप्त में कोई बात बताते हैं तो उस पर लोग भाई ऐतराज़ करते हैं, अजी ये तो उसने ऐसा कही है, ये उसने ऐसा कही है, तो इस कहने को ही अब हम प्रमाणित करते हैं, अरे ये तो देख हम कहने वाला कौन है, एक आदमी ने लिख दिया क्या, उसने लिख दिया अपने नाम के आगे योगी, अरे योगी है वो, योगी नहीं है, और हमारे सामने लिखा हुआ स्वामी सत्येंद्र जी महाराज और उसका सत्यम सिद्धाश्रम ट्रस्ट सोसाइटी सब रजिस्टर्ड और योग विषय पे हमारी बुक्स हैं और सारी चीज़ होने के बावजूद क्या है, हम उसके प्रमाणित विषय पे जानकार हैं, तो जो हम बताएंगे वो हमारे अनुभव सिद्ध होगा, और जो वो बता रहा है, कल पर एक चीज़ हुई जरा सी, जब मैंने बताई पहले भी कुछ डाला हो डाल दिया, तो इस विषय में प्रमाणिक कोर्स आदि कोर्स किए हुए हों वो YouTube पर अपना अप्रमाणिक वीडियो डालकर इस विषय के ज्ञान इच्छुक व्यक्तियों में अज्ञान और उनका अज्ञान फैलाकर उनका मानसिक व शारीरिक और आर्थिक शोषण कर रहा, इस प्रकार के भ्रमात्मक ज्ञान से हुई मानसिक और शारीरिक और आर्थिक हानि का जिम्मेदार कौन होगा, अतः न्यायालय से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के अनाधिकृत व्यक्तियों पर न्यायिक कार्रवाई की जाए और YouTube संस्था चैनल को इस संबंध में भी अपना सकारात्मक व प्रमाणात्मक भरा निर्णय जनसाधारण के हित में मान्य होकर लिया जाए, ये मेरा यह विषय है और आप इस पर भी देखें, तो मैं जो आगामी फिर मिलूंगा इस संबंध में और किसी सामाजिक प्रश्न को लेकर जिस पर मैंने न्याय में अपना विषय उठाया, और जय सत्यम सिद्धाय नमः।